अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त गोलू और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल अमेजिंग विजन टीम। दोस्तों आज की वीडियो टॉपिक ये होने वाला है कि काफ़ी सारे भाई ने मुझे कमेंट किया था और इंस्टाग्राम पे पूछ रहे थे कि कबूतर की छोटे बच्चे की देखभाल कैसे करें, कबूतर का छोटा बच्चा की ग्रोथ कैसी बढ़ाएं, कबूतर का छोटी बच्ची ग्रोथ रुक जाती है, कबूतर का बच्चा कमज़ोर रह जाता है तो उसका क्या रीज़न रहता है, उसका इलाज कैसे करें, उसको मतलब ये सब होने से कैसे रोके। तो दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक ये सब होने वाला है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक कटोरी के अंदर है मिट्टी, दोस्तों जो कि मैंने बाजू से लेके आए, हमने जो यहाँ पे मिट्टी डाल के रखे थे। दोस्तों इसको हमको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये खाने में एक छोटा सा बेबी पिजन है जो कि मैंने अभी हार रखा आपको बताने के लिए, देखिए। और ये उसकी माँ है बच्चे की जो कि अभी अंदर आई थी पनोने के लिए। तो दोस्तों होता क्या है जब ये कबूतर के बच्चे 8-10 दिन के हो जाते हैं, छोटे रहते हैं, तो जब ये आपके पेटी के अंदर में, खुड्डे के अंदर में, दड़बे के अंदर में, लॉफ्ट के अंदर में जो कीड़े रहते हैं जहाँ पे छोटे बच्चे रहते हैं, तो कबूतर जो बीट करते हैं तो वो छोटे वाले काले वाले कीड़े कबूतर को बहुत ज़्यादा काटते हैं, कबूतर के बच्चे को काटते हैं, जिसके कारण कबूतर की बच्ची ग्रोथ रुक जाती और कबूतर का बच्चा कमज़ोर हो जाता। तो अभी आप देखिए इसमें छोटे छोटे कीड़े हैं, काले 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 ऐसा बीट के नीचे रहते और लंबे लंबे इल्ले भी रहते जो कि कबूतर के बच्चे को बहुत ज़्यादा काटते, तो कबूतर का बच्चा कमज़ोर हो जाता। अभी तो कबूतर का बच्चा एकदम फिट है और ये कबूतर का बच्चा बहुत से बहुत 4-5 दिन का है। तो जब भी आपके यहाँ कबूतर का बच्चा 4-5 दिन का हो जाएगा तो आपको जब ये करना है, तो अभी कबूतर का बच्चा 4-5 दिन का है, जब छोटा कबूतर का बच्चा रहेगा जैसे 1-2 दिन का, तो आपको ये नहीं करना है। तो मिट्टी है, हमको ये मिट्टी को इस दड़बे इस गाले के अंदर में डालना है, ये मिट्टी को इसके अंदर डालना है और कितनी डालना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों कम से कम हमको इतनी, देखिए दोस्तों कम से कम हमको इतनी इतनी डालना है। दोस्तों अभी इतनी डाल दी हमने, अभी इसमें और डाल दी मिट्टी। और दोस्तों ऐसी मिट्टी नहीं गिरने को ना, मतलब काले से बाहर, तो आपको ऐसी पट्टियाँ डालना पड़ेगा बाहर सपोर्ट के लिए। हमने ऊपर के गाले में ऐसी रखी नहीं क्योंकि हमको यहाँ पे बच्चे नहीं निकालना था, इस गाले के अंदर बच्चे हैं इसलिए हमने पट्टियाँ लगाए, और मुझे आगे मिट्टी डालना था जैसे कि अभी हमने मिट्टी डाले, तो इसलिए मैंने सब सोच समझ के लगाया था। तो आप भी ऐसी लगा लेना। देखिए दोस्तों मैंने मिट्टी डाला तो एक नीचे से काले कलर का कीड़ा निकला। अब दोस्तों यहाँ पे जब कबूतर की बीट रहेंगी नहीं, जब कबूतर की बीट मिट्टी में लगेंगी तो मिट्टी पूरी बीट को सोख लेंगी और वो बीट भी मिट्टी बन जाएगी, जिससे कबूतर के बच्चे के जो कीड़े रहते कीड़े काटेंगी नहीं, तो कबूतर के बच्चे की ग्रोथ अच्छी रहेगी और आपके यहाँ ब्रीडिंग भी 100% होगी। तो चलिए इसके अंदर बच्चा रखती है अभी। और दोस्तों देख सकते हैं आप मिट्टी हमने अच्छी खासी डाली इसके अंदर में। अब दोस्तों जब कबूतर के माँ बाप को जब थोड़ी बहुत मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी खाने के लिए, तो यहाँ से थोड़ी बहुत मिट्टी भी खा सकते हो। अगर ज़्यादा मिट्टी ख़राब हो गई तो आप मिट्टी को हटा देना, क्योंकि क्या होता है क्या, जब मिट्टी के अंदर में ज़्यादा कबूतर की बीट लग जाती और उसको जब कबूतर खाता है तो कबूतर का पोट जाम हो जाता है। अभी देखिए आप मिट्टी पूरी सफा है और मिट्टी अच्छी है, तो अगर ऐसी मिट्टी को अगर कबूतर खाता भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी इसको अंदर दिया मैं आपे। तो दोस्तों उम्मीद है आप भाइयों को समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या समझाने जा रहा था, जिससे आपके कबूतर की बच्ची ग्रोथ अच्छी रहेगी, आपके यहाँ ब्रीडिंग 100% होंगी और आपके यहाँ कबूतर के बच्चे मरेंगे भी नहीं इससे। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कबूतर से रिलेटेड आपको कोई परेशानी हुई तो मुझे कमेंट करें। दोस्तों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करना चाहते तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो मुझे फॉलो कर सकते क्योंकि मैं यहाँ पर डेली अपडेट रहता। थैंक यू दोस्तों।